श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आज अपने अलवर कार्यालय पर लोगों की जन सुनवाई की। इस दौरान जूली ने यहां पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जूली ने माना कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहाँ तक हाल ही में करौली में पुजारी की जलाकर मार दिए जाने वाली घटना हो, उसमें मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने बात कही। साथ ही थानागाजी गैंग रेप मामले में भी तत्परता से कार्रवाई हुई और आरोपियों को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। इस दौरान जूली ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्राइम तो वहां है जहां रोज दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, इलाज नहीं हो पाता, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है और परिवार को डेड बॉडी तक नहीं दी जाती और मीडिया तक को भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता। देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर क्राइम की जो घटना हो रही है उनको तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। करौली की जो घटना है उसमें भी जो मुख्य आरोपी है वो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई कोताही नहीं रहेगी, इसके अंदर एक्शन लिया जाएगा। और राजस्थान के अंदर आप लोग देख रहे होंगे क्राइम भले ही हो, लेकिन क्राइम के साथ साथ सरकार की तरफ से पूरे प्रयास रहते हैं कि आरोपी बचे नहीं। थानागाजी का उदाहरण आप लोगों के सामने, थानागाजी के अंदर जिस तेजी के साथ एक्शन लिया गया, जिस मुस्तैदी से केस को तैयार किया गया, उसी के बदौलत उन सब लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, आजीवन कारावास उनको हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उनका और यूपी के अंदर जो घटनाएं हो रही है उनका कहीं आपस में तालमेल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार किया जाता है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, उसको उपचार नहीं मिलता, परिवारजनों को डेड बॉडी नहीं मिलती, रात को दाह संस्कार कर दिया जाता है, मिलने के लिए आम जनता पे, नेताओं पे, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसी चीज़ें राजस्थान के अंदर नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजस्थान को उत्तर प्रदेश से नहीं जोड़ें।